आज पूज्य श्री रविदास जी की 645 जन्म तिथि पर जहाँ पे वार्ड नंबर 4 पे एक लंगर का आयोजन किया गया है, तो इस अवसर पर हम सभी पूरे देशवासियों को और पुंछ के पूरे डिस्ट्रिक्ट को और पर्टिकुलरली हम ये हमारे जहाँ भी जितने भी भाई बहन जहाँ पे मौजूद हैं, तो इस रविदास जयंती पर सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व मुबारकबाद पेश करता हूं। और गुरु रविदास जी ने कर्म फिलॉसफी पे जोर दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता है, वो कर्म से ऊंचा या नीचा होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अपने कर्म जो हैं वो अच्छे कर्म करने चाहिए और वननेस जो है कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी इंसान एक जैसे हैं और अपने कर्म। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 545 जयंती पर हम यहां पर उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं इस बस्ती में और पूरे पुंछ नगर में। आज के दिन भगत रविदास जी का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ कि जब हमारे भारत की स्थिति बहुत बहुत ही भयानक थी, और ये संत जब ये इस धरती पे आए और इन्होंने इस देश के लोगों को एक अच्छे संदेश दे के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और लोगों को हिम्मत और हौसला दिया ताकि वो आगे बढ़ के इस समाज की और पूरे भारत की जो है वो सेवा कर सके। संत रविदास जी के बहुत किस्से कहानियां हैं जो कि यहाँ मीडिया में इतने जल्दी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। संत रविदास जी हमारे समाज के लिए और पूरे भारत के